हेलो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में एक जीबी रोड के कोठा नंबर 50 में रहने वाली लड़की के बारे में बताएंगे, जिसने अपने लाइफ में ऐसे समस्याओं से लैडीडीएचई हैं जो शायद ही किसी ने देखा होगा। ये मामला दिल्ली के जीबी रोड में रहने वाली एक 24 वर्षीय महिला की है। आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस महिला का नाम रवीना है, जो कि कर्नाटक की रहने वाली है। ये बीएससी ग्रेजुएट भी हैं और थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल और पढ़ भी लेती हैं। 7 साल पहले कर्नाटक में एक व्यक्ति से मुलाकात हुई और उसने रवीना को काम दिलाने का वादा किया और दिल्ली ले आया, और रवीना भी काम के झांसे में आकर उसकी बात मान ली। लेकिन दिल्ली आने के बाद इस व्यक्ति के सुर बदल गए एवं इस व्यक्ति ने रवीना को दिल्ली के जीबी रोड कोठा नंबर 50 में 50,000 रुपए में बेच दिया। रवीना ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश, लेकिन वह नाकाम रही और अब उसे छुटकारा पाने के लिए 50,000 चुकाने थे। रवीना को 50,000 पूरा करने में 4 साल लग गए। इसी बीच उसे एक रवि नाम के लड़के से प्यार हो गया और उसने रवीना को वहां से निकालने और साथ ही नई जिंदगी शुरुआत करना का वादा किया। लेकिन शादी होने के बाद रवि उसे मारता पिटता पैसे छीन लेता था। रवीना ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रही। रवीना बस एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती थी, वह इस सारे मामले से दूर होना चाहती थी। रवीना को एक दिन दिल्ली महिला आयोग की वीमेन हेल्पलाइन के बारे में पता लगा। रवीना ने तुरंत फोन कर अपनी सारी परेशानी उन्हें बताई। कहानी सुनने के बाद महिला आयोग ने पुलिस को बुलाया और रवि को गिरफ्तार करवाया। इतने सारे दिनों के बाद आखिरकार रवीना ने एक नई जिंदगी की शुरुआत कर ही ली। वह वापस अपने गांव कर्नाटक जाकर एक बेहतर जिंदगी की शुरुआत की। एक मामला और सामने आई है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल ने कहा, दिल्ली में जीबी रोड के कोठों के रूप में एक टाइम बम रखा हुआ है। अगर लोगों को लगता है कि यह उन पर इसका असर नहीं होगा तो यह सच नहीं है। दिल्ली महिला आयोग DCW ने दिल्ली पुलिस की मदद से जीबी रोड पर कोठा नंबर 68 से एक बड्ढी कंपनी की एक कर्मचारी को रेस्क्यू करवाया है। दिल्ली महिला आयोग ने एक 27 वर्षीय महिला के भाई ने शिकायत दर्ज करवाई। पीड़िता के भाई ने बताया कि वह कोलकाता में रहता है और उसकी बहन रानी एक बड्डी कंपनी में काम करती थी। उसने आयोग को बताया कि उसकी बहन को कुछ समय पहले बेहतर नौकरी दिलाने पर एक आदमी दिल्ली लेकर आया था, मगर दिल्ली पहुंचने पर उसने घर पर किसी को फोन नहीं किया और बहन का फोन भी पहुंच से बाहर हो गया। इसके बाद उसके परिवार ने कोलकाता में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। परिजनों ने लड़की की तलाश शुरू की, लेकिन उसका पता लगाने में असमर्थ रहे। लड़की के भाई ने बताया कि कुछ समय पहले उसे एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया, जिसने उसे बताया कि उसकी बहन दिल्ली में जीबी रोड पर है। रानी का भाई तुरंत दिल्ली आया और उस आदमी से करोल बाग में मिला। वह व्यक्ति एक बंगाली था और ग्राहक के रूप में जीबी रोड पर गया था। लड़की ने उससे वहां से बचाने की प्रार्थना की और उसे अपने भाई का फोन नंबर दिया। उस व्यक्ति की मदद से LADDHK का भाई खुद ग्राहक बनकर जीबी रोड के कोठे पर गया और वहां उसने देखा कि उसकी बहन को देह व्यापार में धकेल दिया गया है। वह किसी तरह रानी से बात करने में सफल रहा। उसने अपने भाई को बताया कि एक व्यक्ति ने उसको जीबी रोड पर बेच दिया था। लड़ी डिचकी ने अपने भाई से उसे वहां से रेस्क्यू करने के लिए कहा गया। रानी के भाई ने तुरंत दिल्ली महिला आयोग से संपर्क किया और पूरी घटना आयोग को बताई। दोस्तों, वीडियो यहीं तक। ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना राय जरूर दें। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।